हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये मैं कुछ बेडरूम का मेकओवर तो नहीं है, बस सामान को थोड़ा शिफ्टिंग कर रही थी और दिवाली का टाइम, थोड़ा डीप क्लीनिंग वगैरह भी करना है, तो इसीलिए ये सब दिखा रही हूँ कि कैसा घर का हालत है। तो ऐसे टाइम में मुझे मंदिर भी थोड़ा चेंज करना था, लेकिन आज इलेक्ट्रिशियन वो भैया नहीं आए, तो ये वाला काम नहीं हो पाया और सारे काम ऐसे ही पेंडिंग रह गया। तो इसी टाइम में जब इंस्टाग्राम देख रही थी, उसी में एक वीडियो देखी जो कि दिवाली डेकोरेट आइटम, तो मैं सोची कि थोड़ा सा अभी सारे काम भी खत्म हो गया और डिनर भी हो गया। रात को 9 बजे मुझे ऐसे मन में आया कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ DIY बनाऊँ। तो मेरी कार्डबोर्ड वाले पिटारे से कार्डबोर्ड निकाल दी हूँ, उसमें से इसे जिसे देख सकते हैं आजकल ज़्यादा ही मतलब ये ट्रेंडिंग में है, जो कि झरोखा पैटर्न, तो वही झरोखा वाला शेप में यहाँ पे कट कर दी हूँ। उसके बाद इसमें मैं क्या कि व्हाइट कलर अप्लाई कर दूँ, जो कि ऑयल पेंट मेरा बचा था उसी में मैं यहाँ पे कवर, मतलब सॉरी वो जो साइड वाले हैं ना, वो सारे में मैं टिश्यू पेपर से कवर की, उसके बाद व्हाइट पेंट से पेंट की हूँ। उसके बाद उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दी हूँ। उसको और एक अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे मैं जो फूड कंटेनर आते हैं ना, वो ली हूँ। और यहाँ पे जैसे देख सकते हो, पेंट अच्छे से सूखा भी नहीं, क्योंकि मुझे झटपट बना के तैयार करना था और आपके साथ शेयर भी करना था, क्योंकि दिवाली के लिए काफ़ी दिवाली काफ़ी पास में आ रहा है और जल्दी जल्दी मुझे आपके साथ शेयर भी करना था। तो इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो, ये फूड कंटेनर को मैं बीच में कट कर दी हूँ और उसको बस यहाँ पे स्टिक करना है। कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू की मदद से आपको स्टिक करना है, मैं यहाँ पे फेविकोल की मदद से स्टिक की हूँ। उसके बाद अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दी थी। अभी ये नेक्स्ट सुबह की टाइम है, क्योंकि अभी इसको ड्राई होने के लिए छोड़ना ही है, उसके बाद हम कुछ कलर अप्लाई कर सकते हैं। और रात भी काफ़ी बज गया था और मुझे कमर में भी काफ़ी पेन हो रहा था, तो इसलिए मैं रेस्ट कर ली और सुबह के टाइम में जल्दी उठ के फिर से ये वाला काम शुरू कर दी। तो यहाँ पे मैं कलर चूज कर रही थी कि इसमें कौन सा वाला कलर कूद करूँ, तो उसके बाद ये मैं फाइनली मैं सोची कि इसमें ब्राउन कलर कर दूँ, क्योंकि ये वाला कलर वगैरह भी ना ज़्यादा जल्दी मतलब किसी में अप्लाई नहीं हो पाता है और जल्दी ड्राई भी हो जाता है, तो इसीलिए मैं सोची ब्राउन वाला कलर कर दूँ। पूरे में आपको ब्राउन कलर अप्लाई करना है, चाहे आप स्पॉन्ज की मदद से करो या ब्रश की मदद से करो। थोड़ा स्पॉन्ज की मदद करने से अच्छे से वो इसका फिनिशिंग लुक आएगा। तो देख सकते हो फ्रेंड, बिल्कुल सारे में ही मैं यहाँ पर ब्राउन कलर कर दी। उसके बाद हम इसमें और कुछ डिज़ाइन पैटर्न मतलब कुछ भी ड्राइंग वगैरह या पैटर्न वगैरह क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे वॉल पुट्टी का पेस्ट ली हूँ, अभी कुछ और एक DIY बना रही थी तो उसका थोड़ा पेस्ट बच गया था, उसी में ही मैं यहाँ पे ये पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। आप इसमें व्हाइट पेंट ले सकते हो, ज़रूरत नहीं है वॉल पुट्टी का ही पेस्ट लेना है, लेकिन वॉल पुट्टी के पेस्ट में से काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसका लुक थोड़ा 3D वाला पैटर्न भी आ रहा है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मुझे झटपट बना के भी रेडी करना था, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें तामझाम वाला कुछ पैटर्न ड्रॉ नहीं की हूँ, बिल्कुल सिंपल वाला पैटर्न ही बनाई हूँ, जो जैसे आर्ट होता है ना, रंगोली टाइप का आर्ट, वो ही टाइप का ही मैं यहाँ पे फटाफट बना के रेडी कर दी हूँ। अब ये बार जो वॉल पुट्टी का पेस्ट है ना, आप ज़रूर एक बार ट्राई करना, बहुत सारे मैं अभी DIY आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही झटपट बन जाता है। अगर आपको मेहंदी वगैरह लगाना अच्छे से आता है तो आपको ये वाला बनाना काफ़ी ईजी होगा और देखने में ना काफ़ी अच्छा लगता है, बिल्कुल आपको लो बजट में ही आपका बहुत अच्छा वाला डेकोर पीस बन के तैयार हो जाता है। देख सकते हो फ्रेंड, मैं आपसे बातें करते करते यहाँ पे वॉइस ओवर करते रहते यहाँ पे मेरा सारे आर्ट भी फिनिश हो गया है, बहुत ही जल्दी ये बन के रेडी हो गया है और देखने में ना काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये मैं इसमें ज़्यादा भी फिनिशिंग वाला काम भी नहीं करूँ, झटपट जैसे हो पा रहा है वैसे ही यहाँ पर बना के रेडी कर रही हूँ। जैसे बोली दिवाली पास में आ रहा है तो हमें फटाफट तैयार भी करना है और मुझे वीडियो भी काफ़ी वगैरह आपके साथ शेयर भी करना था, तो इसीलिए और काफ़ी मेकओवर वाला वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको देखना चाहते हो कि लो बजट में आप कैसे घर के डेकोरेट कर सकते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे और किसी को अगर ज़रूरत पड़े ये सारी चीज़ों को सीखना है, तो आप ज़रूर इसके साथ शेयर भी कर सकते हो। बहुत ही इजी रखी हूँ, ज़्यादा कुछ भी इसमें तामझाम नहीं की हूँ, बिल्कुल सिंपल है, ज़रूर आप ट्राई करना। जैसे बोली आपको वॉल पुट्टी की पेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अगर व्हाइट पेंट है तो उसी में भी आप ये वाला काम कर सकते हो। और कार्डबोर्ड तो हमारे जैसे ऑनलाइन में बहुत सारे सामान मंगाते हैं तो कार्डबोर्ड तो ऐसे ही आता रहता है, छोटे मोटे कार्डबोर्ड से भी आप ये सारे बना सकते हो। और फूड कंटेनर भी आजकल हर घर में पड़ा रहता है और इसको ऐसे ही फेंक देते हैं आप, तो उसी में ही आप ऐसे DIY वगैरह बना सकते हो। बन गया हमारा ये बहुत अच्छा डेकोर पीस। चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। आप इसमें कैंडल भी रख के जला सकते हो या नहीं तो इसे जो बैटरी ऑपरेटर लाइट वगैरह रख के भी जला सकते हो। अभी दिवाली में थोड़ा टाइम है इसलिए मैं यहाँ पे इसको ठीक नहीं हूँ, बस आपको ऐसे रख के ही दिखा रही हूँ।
उसके बाद चलिए चलते हैं सेकेंड ईयर पे, ये भी बहुत झटपट बन के तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ पे बेटे को मेरे क्लास करते करते ही ये बना के रेडी कर दी हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरे हस्बैंड एक लाइट लाई थी, उसी का ही कार्डबोर्ड था, इसका वैसे भी स्क्वायर शेप का था, उसी को ही मैं दो पीस में कट कर दी हूँ। थोड़ा पतला कार्डबोर्ड था इसलिए मैं दो पीस में इसको ज्वाइन कर दी हूँ। उसके बाद मेरे पास वेस्ट कपड़ा था जो कि सिल्क टाइप का कपड़ा है, मेरी बिटिया का ये जो बाजू का है वो था, ये बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, उसी को मैं यहाँ पे रीयूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे स्क्वायर शेप इसको भी थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा मतलब जो कार्डबोर्ड के हिसाब से इसको जैसे हम स्टिक कर सकें उसी हिसाब से यहाँ पे कट करना है। तो देख सकते हो मैं यहाँ पे इसको बस कट करके इसको ग्लू की मदद से स्टिक कर दी हूँ। और ये जो सारी चीज़ स्टिक करने के लिए मैं फेविकॉल का यूज़ की हूँ। आप चाहते हॉट ग्लू गन या कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू का ही लेना, नहीं तो फेविकॉल में बहुत टाइम लगता है, बहुत अच्छे से स्टिक भी नहीं हो पाता है क्योंकि ये सारे सिल्क का कपड़ा है तो इसलिए अच्छे से स्टिक नहीं हो पाता है। उसके बाद थोड़ा सा इसको कलर देने के लिए यहाँ बीच में मैं यहाँ पे मेरे पास एक येलो कलर का पेपर था, उसी को ही मैं सर्कल शेप के कट करके स्टिक कर दी हूँ। और इसको और भी अच्छा बनाने के लिए हमें लेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे लेस भी लगा सकते हो, नहीं तो आप लेस वगैरह नहीं है तो आप मिरर वगैरह भी स्टिक कर सकते हो या कोई मोती वगैरह पड़ा होगा वो भी आप स्टिक कर सकते हो। तो लेस वगैरह भी मैं स्टिक कर दी। सॉरी माई वॉइस काफ़ी ख़राब है। उसके बाद यहाँ पे मिरर वगैरह स्टिक की हूँ और जो ये सारे एडजस्ट है ना वो देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ पिस्ता सेल पड़ा था उसी को ही मैं यहाँ पे स्टिक की हूँ। हैंग करने के लिए ऊपर से मैं यहाँ पे एक ऊन भी स्टिक कर दी हूँ और पिस्ता सेल भी देखने में अच्छा लग रहा था इसीलिए मैं इसमें रेड कलर की हूँ। उसके बाद उसको हैंग करने के नीचे लटकन में ढूंढ लूँ, अगर कुछ पुराना वाला पड़ा होगा तो मैं स्टिक कर दूँगी। फिलहाल के लिए मेरे पास अभी कुछ नहीं है, देख के उसके बाद में स्टिक करूँगी। कि जो बीच में आप इस जैसे मैं अभी ये टसल भी बनाई थी लेकिन ये देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा है तो इसलिए मैं इसको अभी स्टिक नहीं करूँगी। कुछ पुराना वाला लटका हुआ देखूँगी, अगर कहीं मिल जाएगा तो मैं स्टिक कर लूँगी। जो बीच वाला पार्ट मैं छोड़ी हूँ कभी मार्केट से अगर सुबला वाला या कुछ रिद्धि सिद्धि वाला कुछ भी लेके आऊँगा ना वो यहाँ पे स्टिक करूँगी, इसलिए मैं अभी कुछ लिखी नहीं हूँ। आप चाहते हो इसमें लिख के भी आप इसमें लिख भी सकते हो।